हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हम पे रेसिपीज। आज हम बनाएंगे व्रत स्पेशल आलू लच्छा नमकीन। बिना कोई मसाला के बहुत ही अमेजिंग सा नमकीन बनता है। आप इसे कोई भी व्रत के दिन भी खा सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं आलू लच्छा नमकीन। आलू लच्छा नमकीन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो बड़े आलू लिया है। वजन से देखेंगे तो ये आधा केजी आलू है। इन्हें मैंने अच्छे से पील करके पानी में रखा था ताकि इनका कलर ना चेंज हो। अब हम इसे बड़ा सा ग्रेटर यूज करके इन्हें ग्रेट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा सा ग्रेटर से इसे ग्रेट मत कीजिएगा, आलू लच्छे बहुत जल्दी जल सकते हैं। अब हम आलू को थोड़ा थोड़ा करके ग्रेट करेंगे और पानी में ऐड करेंगे। पानी में डालने से आलू का कलर नहीं चेंज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरा आलू को ग्रेट करके पानी में डाल लिया है। अब हम इन आलू को 2 से 3 बार के लिए धोएंगे ताकि इसमें से पूरा स्टार्च निकल जाए। आप चाहे तो आलू को सीधा ही पानी में ग्रेट कर सकते हो। आलू को अच्छे से धोने के बाद हम इन्हें एक तवल पर डालेंगे और अच्छे से पानी सुखा लेंगे। आलू में से पूरा पानी सुखाने से डीप फ्राई करते समय में आसानी होगी, नहीं तो तेल के छींटे बहुत उड़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टावल के ऊपर इन्हें डालकर अच्छे से पानी सुखा लिया है। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। तेल में आलू डालने के बाद थोड़ा सा फ्लेम कम करेंगे और गरम तेल में ज्यादा क्वांटिटी में आलू मत डालिएगा, तेल ऊपर आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना सा तेल में मैंने एक मुट्ठी भर ही आलू डाला है और आलू को लगातार साइड पलटते हुए फ्राई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इन्हें हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ऐसे ही हम पूरा आलू को फ्राई करेंगे। अब हमारे आलू लच्छा रेडी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कड़ी पत्ता, पीनट्स, काजू, किशमिश को भी फ्राई कर ऐड करेंगे। पहले हम एक स्ट्रिंग कड़ी पत्ता को फ्राई करेंगे और इसी आलू के ऊपर डालेंगे। ध्यान रखिएगा कड़ी पत्ता अच्छे से क्रिस्पी होना चाहिए, नहीं तो इसका मॉइस्चर से आलू भी सॉफ्ट हो सकते हैं। कड़ी पत्ता अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, इन्हें भी हम आलू के ऊपर डालेंगे। और इसी सेम तेल में हम पीनट्स को फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 कप जितना पीनट्स लिया है। इन्हें हम गोल्डन फ्राई करेंगे और इसके ऊपर डालेंगे। आलू लच्छा नमकीन बनाना बहुत ही इजी है, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आलू, पीनट्स और कड़ी पत्ता फ्राई करने के बाद इसके ऊपर हम सेंधा नमक डालेंगे। यहाँ पे मैंने उपवास के लिए सेंधा नमक यूज किया है, आप जो नमक यूज करते हैं उसे यहाँ पे डालिएगा। और 1/2 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने सॉल्ट और ब्लैक पेपर ही यूज किया है, फिर भी ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। आप इस रेसिपी को यहीं तक स्टॉप कर सकते हैं, हमारे आलू लच्छा ऐसे भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इसे और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने रेजिन्स को डीप फ्राई किया है और इसके ऊपर डाला है। 20 से 25 रेजिन्स को फ्राई करके इसमें ऐड किया है। काजू, किशमिश, बादाम को अलग अलग ही फ्राई कीजिएगा ताकि ये जले ना। और अब हम इसमें 15 काजू को भी फ्राई करेंगे और आलू लच्छे के ऊपर ऐड करेंगे। काजू के बाद थोड़ा सा आलमंड्स को भी यानी बादाम को भी फ्राई कर इसके ऊपर ऐड करेंगे। ये तीनों इंग्रेडिएंट ऑप्शनल हैं, आप चाहे तो इन्हें स्किप भी कर सकते हो, पर इन्हें डालने से इसमें बहुत ही रिचनेस आता है। बादाम अच्छे से गोल्डन होने के बाद इन्हें भी हम आलू के ऊपर डालेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर को स्प्रिंकल करेंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाएंगे। अब हमारा उपवास स्पेशल आलू लच्छा नमकीन रेडी है, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।